Hello everyone. Welcome to Mathsy Educator. Myself Avnish and we will study mathematics of class 10. We will cover all the chapters of class 10 maths one by one with all the theories and exercise solution and some extra important questions also. We will also solve case study based questions for CBSE students. So I do not waste your time and we will start today's topic. But before starting the class, I will request you or I will remind you, please sit with one pen, one notebook and earphone so that whenever I will give you a questions, you just pause the video and you can solve the questions. We will start with very interesting and easy chapter. ये chapter actually में तो बच्चों को थोड़ा सा difficult लगता है, लेकिन अगर आप ये chapter year के starting से ही practice करोगे, So due to this practice, you will feel the chapter very easy at the end of the year. And this chapter is totally new for you. Till 10th, you did not even heard about it. आपने अभी तक इसके बारे में कुछ ना तो सुना है, ना तो कुछ पढ़ा है. So ये जो topic या जो ये chapter है, वो आपके लिए totally नया है. इसीलिए आपके brain को थोड़ा सा इसको accept करने में time लगेगा, लेकिन I assure you that if you will do practice throughout the year, then आपके लिए ये chapter बहुत ही easy and exam. So it's chapter number 8, introduction to trigonometry. तो पहला ही question आपके mind में ये आएगा, what is trigonometry? तो ये जो trigonometry क्या है? तो trigonometry और कुछ नहीं, it is a mathematical tool. ये सिर्फ एक mathematical tool. Yeah, you can say it is a branch of mathematics. कैसे तो कि जैसे एक आपकी ब्रांच होगी एलजीब्रा या तो फिर आपका कैलकुलस है जियोमेट्री है स्टेटिस्टिक है ये डिफरेंट डिफरेंट ब्रांच ऑफ द मैथमेटिक्स है सिमिलरली इट इज आल्सो वन ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स सो इट्स सिंपल और यू कैन से सिंपल इट इज अ मैथमेटिकल टूल ये मैथमेटिकल टूल का यूज हम कई जगह पे हमारी लाइफ में या कोई साइंस में या इंजीनियरिंग के अंदर यूज इसका करते हैं अब दूसरा क्वेश्चन ये आपके माइंड में आएगा व्हाट इज एप्लीकेशन ऑफ द ट्रिगोनोमेट्री तो एप्लीकेशन क्या है ट्रिगोनोमेट्री तो इसकी एप्लीकेशन बहुत ही पुराने टाइम से होती आई एंशिएंट टाइम से इसका यूज होता आया फॉर एग्जांपल इसका यूज पहले के टाइम में लेंथ फाइंड करने के लिए या तो फिर हाइट या तो फिर विड्थ ऐसे पैरामीटर्स फाइंड करने के लिए इसका यूज होता था इसका यूज इजिप्ट के अंदर ये जो पिरामिड बनाए गए थे तो उस टाइम पे भी ये पिरामिड्स के कंस्ट्रक्शन के अंदर भी जियोमेट्री का सॉरी ट्रिगोनोमेट्री का यूज किया जाता था ठीक है एक मैंने बाजू में यहाँ पे आपको यहाँ पे साइड में एक फिगर दिख रही है ठीक है ये फिगर तो ये फिगर के ऊपर से भी आप उसका कि यहाँ पे एक पर्सन खड़ा हुआ है यहाँ पे ये रिवर है रिवर के सामने की साइड पे ये जो टेम्पल है वहां पे ये बैंक के ऊपर और यहाँ पे वो पर्सन क्या कर रहा है ऑब्जर्व कर रहा है तो अगर ये बिल्डिंग की हाइट हमें पता है और यहाँ पे ये हाइट के साथ का ये जो एंगल बन रहा है वो एंगल अगर हमें पता है तो ये एंगल और ये हाइट की यूज करके हम ये रिवर की विड्थ कितनी है वो विदाउट मेजरमेंट वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं using the trigonometry कैसे हम वो find कर सकते हैं वो हम ये chapter में study करने वाले तो ये जो application of trigonometry है उसके अंदर एक ancient time में इसका use सिर्फ और सिर्फ length है height है width है ऐसे parameters find करने के लिए use किया जाता फिर इसमें जैसे जैसे आगे आगे study होती गई नई नई चीजें find होती गई उसका use बढ़ता गया अब अगर रिसेंटली हम देखने जाए तो रिसेंटली करंटली इसका यूज जो होता है स्पेस साइंस में भी उसका यूज होता है या तो फिर अब इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर भी इसका यूज होता है फिर देखने जाए तो मेडिकल में भी ये हार्ट बीट और उसके रिलेटेड जो भी स्टडी रहते हैं उसके अंदर भी ट्रिगोनोमेट्री का यूज किया जाता है कम्युनिकेशन में तो सबसे ज्यादा यूज उसका यूज किया जाता है कम्युनिकेशन जो टेक्नोलॉजी है उसमें भी उसका यूज किया जाता है तो ऐसी कई सारी इंजीनियरिंग की फील्ड है जिसमें इसका यूज होता है
लेकिन अभी 10th स्टैंडर्ड में देखने जाए तो सिर्फ और सिर्फ उसका एक छोटा सा पार्ट हम स्टडी करने वाले हैं, और उसका यूज 10th स्टैंडर्ड में सिर्फ और सिर्फ इस टाइप के कुछ पैरामीटर्स फाइंड करने के लिए हम करेंगे। ठीक है, तो ये ट्रिगोनोमेट्री की छोटी सी मैंने आपको एप्लीकेशन बताने की ट्राई की है। ये ट्रिगोनोमेट्री जो वर्ड है, ठीक है, ये ट्रिगोनोमेट्री वर्ड है वो कहाँ से, और या तो फिर उसका मीनिंग क्या है, ये कहाँ से आया, या तो क्या उसका मीनिंग क्या है। तो ये जो ट्रिगोनोमेट्री वर्ड है वो आया हुआ है ग्रीक लैंग्वेज से। ट्रिगोनोमेट्री है वो तीन वर्ड का कॉम्बिनेशन है। पहला है उसका ट्राई, ट्राई मतलब होता है ट्राइंगल, प्लस दूसरा है वो कॉन, इसका मीनिंग होता है साइड्स ऑफ द ट्राइंगल यानी कि साइड्स, और तीसरा जो ग्रीक वर्ड है दैट इज मैट्रॉन। अब ये मैट्रॉन का मीनिंग है मेजरमेंट। यानी कि ट्राइंगल के तीनों साइड के मेजरमेंट के रिलेटेड ये ट्रिगोनोमेट्री होता है इनिशियल स्टेज में। लेकिन अब तो ये ट्राइंगल के अलावा रिसेंटली अभी करंटली जो भी इसका यूज होता है वो यहाँ पे इसके अंदर, ट्राइंगल के अंदर तो होता ही है, साथ में कई सारी फील्ड जो मैंने आपको यहाँ पे बताई है, स्पेस है, मेडिकल है, कम्युनिकेशन है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, ये सारी फील्ड में भी इसका यूज होता है जहाँ पे ट्राइंगल होना जरूरी नहीं है। लेकिन जब भी इसका इन्वेंशन हुआ ये, तब उस टाइम पे ये ग्रीक लैंग्वेज के ये तीन वर्ड ट्राई कॉन एंड मैट्रियन, ये तीनों को कंबाइन करके आपका ट्रिगोनोमेट्री बनाया गया है। यानी कि ट्राइंगल के तीनों साइड के मेजरमेंट के रिलेटेड जो मैथमेटिक्स की ब्रांच है दैट इज कॉल्ड एज अ ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, इसके अंदर एक वर्ड आएगा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, वो नेक्स्ट पॉइंट हमारा वही होगा, वहीं से हम स्टार्ट करेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। लेकिन ये क्या दिखाता है, क्योंकि तो ट्रिगोनोमेट्री रेशियो जो है वो एक रिलेशन दिखाता है, किसके बीच का रिलेशन, तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन कर दिया, इट शोज द रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स ऑफ राइट ट्राइंगल। यहाँ पे आपको खास ध्यान में रखना है ट्राइंगल कौन सा लेना है, ये जो है आपका राइट ट्राइंगल होना चाहिए, ये राइट ट्राइंगल। सिर्फ और सिर्फ हम ये चैप्टर में 10th स्टैंडर्ड में हमारा ये जो चैप्टर है पूरे चैप्टर में जो ट्राइंगल कंसीडर करेंगे दैट इज ओनली राइट ट्राइंगल होगा। सो इन द प्रीवियस स्लाइड वी हैड ट्राई टू क्लियर द कंसेप्ट ऑफ नॉट अ कंसेप्ट बट द मीनिंग ऑफ दिस ट्रिगोनोमेट्री वर्ड because it is totally new for you, and also we have seen one definition or one things that trigonometric ratio. So I think you all are clear now with what is trigonometric ratios. It is nothing but it shows the relationship between the angle and the sides of the triangle. तो यहाँ पे बिफोर स्टार्टिंग दिस बिफोर स्टार्टिंग टू डिफाइन दिस ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो आई वांट यू टू क्लियर वन थिंग दैट फॉर गिवन ट्राइंगल वी नीड टू सिलेक्ट वन एंगल बिकॉज इन द ट्राइंगल वी हैव टू एक्यूट एंगल्स। जो भी हम यहाँ पे ट्राइंगल सिलेक्ट करेंगे वो ट्राइंगल हमारा राइट ट्राइंगल होगा, तो उसके पास तो उसके जो दो टू एक्यूट एंगल्स है उसमें से एक एंगल का हमें सिलेक्शन करना होगा, और कौन सा एंगल सिलेक्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू दैट एंगल वी नीड टू डिफाइन ऑपोजिट साइड एज वेल एज एडजेसेंट साइड। बिकॉज एंगल अगर आप चेंज कर दोगे तो एंगल चेंज कर देते हैं तो उसके हिसाब से उसकी ऑपोजिट साइड एंड एडजेसेंट साइड चेंज हो जाएगी। यस, हाइपोटेनियस विल रिमेन सेम फॉर एनी एंगल इन राइट ट्राइंगल। So let's start with this concept to clear this concept. I will first of all draw one right triangle. Okay. So for this right triangle, I will give a name. You can give it any name. I will give it A, B, and C.
और यहाँ पे आपका राइट एंगल बन रहा है। सो इट इज राइट राइट ट्राइंगल एबीसी। क्वेश्चंस के अंदर भी आपको खास ध्यान रखना है कि कौन सा एंगल आपको राइट एंगल दिया है, उसी हिसाब से वो जो भी सपोज एंगल बी राइट एंगल दिया है तो वही नोटिफिकेशन आपको यहाँ पे रखना है। अगर ए दिया है तो कंपलसरी आपको यहाँ पे ए रखना है, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे जो दो एक्यूट एंगल है, वन इज एंगल ए, ठीक है। अगर मैं एंगल ए का सिलेक्शन करता हूँ, वन इज एंगल ए, तो एंगल ए का सिलेक्शन करता हूँ तो उसके लिए फोर एंगल ए मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, फोर एंगल ए उसके लिए ऑपोजिट साइड कौन सी होगी, उसके लिए ऑपोजिट साइड होगी एंगल ए के लिए ऑपोजिट साइड है बी सी, ऑपोजिट साइड इज इक्वल टू बी सी। और अगर मैं एडजेसेंट साइड की बात करूँ, एडजेसेंट साइड तो एंगल ए के लिए एडजेसेंट साइड बन रही है दैट इज ए बी, ओके। और हाइपोटेनियस जो होगा वो तो कोई भी एंगल होगा उसके लिए तो ए सी ही रहेगा, क्लियर। ओके, अब अगर मैं इसको चेंज कर देता हूँ, अगर मैं इसको एंगल चेंज कर दे, अब एंगल ए की जगह पे मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ एंगल सी, ये जो है दिस एंगल एंगल सी, तो अगर एंगल सी के लिए हम लिखना चाहे तो उसके लिए ऑपोजिट साइड बनेगी, ऑपोजिट साइड इज इक्वल टू इसके लिए, देखो एंगल सी के लिए ऑपोजिट साइड यू कैन क्लियरली सी इट विल चेंज ए बी, अब ए बी होगा। एंगल ए के लिए देखो, एंगल ए के लिए ऑपोजिट साइड थी बी सी, एंगल सी के लिए ऑपोजिट साइड है ए बी, ओके। एडजेसेंट साइड, एंगल सी के लिए एडजेसेंट साइड कौन सी होगी, तो उसके लिए एडजेसेंट साइड हो गई बी सी, यानी कि टोटली ऑपोजिट हो गए, जो एंगल ए के लिए ऑपोजिट साइड है दैट इज दैट विल बिकम एडजेसेंट साइड फॉर एंगल सी, बी सी बी सी। एंगल ए के लिए जो एडजेसेंट साइड है ए बी वो एंगल सी के लिए बन गई ऑपोजिट साइड ए बी। सो इट इज नाउ क्लियर फॉर यू दैट एज द एंगल विल चेंज द साइड्स ऑल्सो चेंज, ठीक है। और हाइपोटेनियस जो होगा वो हाइपोटेनियस पहले भी मैंने आपको बोला था वो तो दोनों के लिए सेम ही रहेगा। सो इज इट क्लियर नाउ। तो आपको कौन सा एंगल दिया है उसके हिसाब से आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि कौन सी ऑपोजिट साइड कौन सी एडजेसेंट हो रही है एंड कौन सा हाइपोटेनियस बन रहा है, ठीक है। दूसरा कि यहाँ पे तो मैंने लिखा है ट्राइंगल ए बी सी ऐसे नाम दे दिया है, कभी कभार आपको एंगल का नाम लाइक अल्फा बीटा गामा थीटा ऐसे भी दिया होगा, कि मैं यहाँ पे एक मेंशन कर देता हूँ ये जो एंगल सी है यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ इट इज एंगल थीटा ऐसे, ये जो है थीटा तो आप लिख सकते हो एंगल सी इज इक्वल टू थीटा। तो ये नोटेशन भी आपको ध्यान में रखना है, अल्फा है बीटा है गामा है थीटा है, मोस्टली आपकी टेक्स्ट बुक में ए बी सी लाइक एक्स वाई जेड पी क्यू आर एस ऐसे ट्राइंगल के नेम के ऊपर से ही एंगल कर लेते हैं, लेकिन कभी कभार ऐसे थीटा के फॉर्म में या ऐसे अल्फा या बीटा या फिर गामा ऐसे फॉर्म में भी दिया जाता है, और टेक्स्ट बुक में ये थीटा ही, टेक्स्ट बुक में कहीं अल्फा बीटा गामा नहीं दिया है, लेकिन फिर भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आपको ये ध्यान में रखना है। ओके, नाउ वी विल मूव टू द डेफिनेशन या वी विल डिफाइन द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। अब हम ये जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है वो डिफाइन करेंगे, लेकिन वो स्टार्ट करने से पहले और एक चीज मैं आपको ओवर व्यू देना चाहूंगा कि टोटल हमारे पास होंगे सिक्स ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो मैंने यहाँ पे लिखे, उसमें से जो दो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है वो मेन बोल सकते हो, ये दो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होंगे उसके ऊपर से हमने एक डिराइव किया होगा थर्ड वन, और ये तीनों का जो ग्रुप है जो तीन ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है उनका अगर आप इनवर्स करोगे तो आपको दूसरे तीन ट्रिगोनोमेट्री रेशियो मिलेंगे, यानी कि टोटल मिला के हमारे पास कितने ट्रिगोनोमेट्री रेशियो होंगे, सिक्स ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होंगे, ठीक है। नाउ वी विल डिफाइन फर्स्ट ट्रिगोनोमेट्री रेशियो दैट इज साइन ए। अब इसको कैसे लिखा जाता है क्या उसका मीनिंग है वन बाय वन हम देखते हैं। फर्स्ट ट्रिगोनोमेट्री रेशियो दैट इज उसको ऐसे नॉर्मली लिखा जाता है साइन ऑफ एंगल ए, यहाँ पे एंगल ए को मैं सिलेक्ट करता हूँ, आप एंगल सी को भी ले सकते हो दोनों में से कोई, लेकिन एंगल बी यहाँ पे हम नहीं ले सकते, ये जो एस आई एन ई ठीक है उसको, अब ये जो बड़ा सा लिखा है साइन ऑफ एंगल ए, हर टाइम पे हम ऐसा नहीं लिखेंगे, नेक्स्ट टाइम पे हम लिखेंगे
as I can sign a, like this. यहां पे जो होगा ऑलवेज दैट इज वन ऑफ एंगल, यहां पे ऑलवेज क्या होगा एंगल होगा. ये एक ट्रिको इसका नाम है, एक ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का नाम है साइन, और उसके साथ एंगल कौन सा सिलेक्ट किया हुआ है ए. अब ये दोनों जो है वो समझना मत के दोनों मल्टीप्लिकेशन में, नहीं ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में नहीं है, ये सिर्फ उसको मेंशन करने का या फिर लिखने का एक तरीका है. ये दोनों को आप सेपरेट भी नहीं कर सकते, लाइक मैंने यहाँ पे एक साइन लिखा और ये एंगल ए को सेपरेट किया, नहीं आप उसको सेपरेट भी नहीं कर सकते, दोनों साथ में ही ऑलवेज रहे. अब उसका फॉर्मूला क्या है, तो यहाँ पे हमने बोला है कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, रेशियो मतलब कुछ न्यूमेरेटर होगा कुछ डिनोमिनेटर होगा, तो यहाँ पे न्यूमेरेटर में क्या होगा, न्यूमेरेटर होगा साइड ऑपोजिट टू, साइड ऑपोजिट टू एंगल ए, जो भी एंगल आपने लिया है वो एंगल की ऑपोजिट साइड, डिवाइड बाय हाइपोटेनियस. ठीक है, तो ये आपका पहला ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो हो गया. अगर मैं मेरे राइट साइड पे जो ये ट्राइंगल मैंने ड्रॉ किया है वो ट्राइंगल के लिए लिखना चाहूं, तो यहाँ पे होगा साइन ए इज इक्वल टू ऑपोजिट, उसको शॉर्ट में मैं लिखूंगा ओ, मतलब कि ऑपोजिट साइड, आपको समझ जाना, अपॉन एच, एच मतलब हाइपोटेन्यूस. तो यहाँ पे एंगल ए कहाँ पे, ये रहा एंगल ए, उसके लिए ऑपोजिट साइड बोलो, मैंने पूरा लिख के ही रख दिया है, आप फिगर में से देख के बोल सकते हो, एंगल ए के लिए ऑपोजिट साइड है बी सी, तो बी सी लेंथ की जो वैल्यू होगी वो आपको रखनी अपॉन हाइपोटेनियस, ट्राइंगल के लिए हाइपोटेनियस है ए सी. क्लियर हुआ, तो उसकी डेफिनेशन याद करो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो की, क्या था कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो शोज द रिलेशनशिप बिटवीन एंगल, ये आपका एंगल ए एंड साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, ये जो ट्राइंगल है उसकी साइड, बी सी एंड ए सी आर टू साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, तो ये रेशियो जो है वो क्या दिखाते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन एंगल्स एंड साइड ऑफ द ट्राइंगल. तो आपका ये हो गया पहला ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो. ठीक है, तो ये साइन. दूसरा दूसरा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जो मैंने आपको बोला था कि हमारे पास टू मेन ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है, सेकंड वन इज कॉल्ड एज अ कोसाइन ऑफ एंगल ए, उसको शॉर्ट में हम लिखेंगे कॉस, सिंपली कॉस, और जो भी एंगल होगा एंगल ए उसका फॉर्मूला. अब ये मैं बड़ा फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, आप डायरेक्टली बोल साइड ऑपोजिट की जगह पे यहाँ पे कौन सी आ जाएगी, एडजेसेंट, साइड एडजेसेंट टू एंगल ए डिवाइड बाय हाइपोटेनियस. अब ट्राइंगल के अंदर फिगर में देखो कौन सी है एडजेसेंट साइड, एंगल ए के लिए एडजेसेंट साइड बनेगी ए बी अपॉन हाइपोटेनियस, तो उसके लिए भी सेम ही रहेगा, हाइपोटेनियस का होगा ए सी. क्लियर, अगेन ये दूसरा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो आपका हो गया. अब थर्ड वन, जो थर्ड ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है वो मैं आपको लिख के दिखाता हूं, दैट इज टेंजेंट, टेंजेंट ऑफ एंगल ए, लेकिन इसको भी हम शॉर्ट में लिखेंगे टेन, और जो भी एंगल होगा वो हम यहाँ पे लिखेंगे, उसके लिए फॉर्मूला है साइड ऑपोजिट टू एंगल ए, यानी कि ऑपोजिट साइड अपॉन दूसरा क्या होगा पहले साइन एंड कॉस में हाइपोटेनियस रहेगा, लेकिन यहाँ पे होगा एडजेसेंट साइड. ठीक है, ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, तो एक ये फॉर्मूला भी है. और मैंने क्या आपको यहाँ पे 6 इज इक्वल टू 2 प्लस 1 प्लस 3, मेन हमारे दो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन साइन एंड कॉस, ये दोनों का यूज करके हम टेन डिराइव करेंगे कैसे, तो देखो तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस डिवाइड बाय एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, मैंने ऑपोजिट को भी हाइपोटेनियस से डिवाइड किया, एडजेसेंट को भी हाइपोटेनियस से डिवाइड किया. अब ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस मतलब क्या लिख सकते हो, देखो याद करो, या तो फिर फिगर में बॉर्ड आप स्क्रीन में भी देख सकते हो, ये रहा आपका कौन सा होगा साइन. ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ साइन और एंगल जो भी होगा वो एंगल डिवाइड बाय
एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस देखो कहाँ पे है, ये रहा एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब कौन सा ट्रिकोनोमेट्रिक फंक्शन आपका हो गया, कॉस, तो कॉस ए। तो ये दोनों, अब देखो ये आपका कहाँ से डिराइव हुआ, टेन ए इज इक्वल टू, एक तो आप ये लिख सकते हो अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, और दूसरा फॉर्मूला आप लिख सकते हो साइन ए अपॉन कॉस ए। तो ये आपके मेन तीन दो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन मेन, और थर्ड वन इज डिराइव ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो ये आपके तीन ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हो गए। अब मैंने क्या बताया था कि ये तीन का अगर आप कॉम्प्लीमेंट्री, यहाँ पे देखो कॉम्प्लीमेंट्री अगर करोगे तो आपको दूसरे तीन मिले, यानी कि साइन का एक कॉम्प्लीमेंट्री ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन होगा, एक कॉस का ट्रिगोनो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा, और एक टेन का होगा। तीनों के कॉम्प्लीमेंट्री आप करोगे यू विल फाइंड अनदर थ्री ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। सो लेट्स सी अनदर थ्री ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। नाउ वी हैव थ्री ट्रिगोनोमेट्री रेशियो, नाउ वी विल डिफाइन कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ दैट ट्रिगोनोमेट्री रेशियो। वी विल राइट अगेन फर्स्ट ट्रिगोनोमेट्री रेशियो दैट इज साइन, योर फर्स्ट वन इज साइन, साइन यहाँ पे मैं एंगल का सिलेक्शन कर रहा हूँ दैट इज एंगल ए। सो साइन ए इज इक्वल टू, अब आपको ये याद रखने हैं सारे फॉर्मूला, साइन ए इज इक्वल टू ऑपोजिट, लास्ट में मैं इसको आप इसको याद रखने की एक शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। ओके, तो अब मैं इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन यहाँ पे लिखूंगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन दैट इज साइन का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है कॉसेक, COSEC। इसको अब मैं उसके शॉर्ट ही लिखूंगा, शॉर्ट नेम ही लिखूंगा, पूरे नेम लिखने की जरूरत नहीं। इसको उसका फुल फॉर्म है कोसिकेंट, कोसिकेंट ऑफ, आपको पता है ट्रिगोनोमेट्री रेशियो, और उसके साथ हम ऑलवेज यहाँ पे क्या लिखते हैं ए। अब देखो यहाँ पे साइन का फॉर्मूला है ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, अगर मैं उसका इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन लिख रहा हूँ दैट इज कॉसेक ए, तो उसका फॉर्मूला बनेगा क्या बनेगा आप बताओ, हाइपोटेनियस अपॉन ऑपोजिट साइड। क्लियर, दोनों एक दूसरे के क्या है, इनवर्स एक दूसरे के, साइन का इनवर्स कॉसेक और कॉसेक का इनवर्स साइन, यानी कि डबल साइड एरो में यहाँ पे रखूंगा। क्लियर, ये अब दूसरा भी यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, दूसरा आप क्या लिख सकते हो ताकि आपके लिए समझना आसान हो जाए, आप ऐसा भी लिख सकते हो साइन ए इज इक्वल टू वन अपॉन कॉसेक ए, क्योंकि दोनों एक दूसरे के कैसे हैं, इनवर्स। या तो फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो कॉसेक ए इज इक्वल टू वन अपॉन साइन ए। सो इज इट क्लियर। नेक्स्ट ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन इज कॉस, ठीक है, जो प्रीवियसली हमने देखा था, सेकंड वन इज कॉस, कॉस ए, एंगल में ए को ही सिलेक्ट कर रहा हूँ, उसका फॉर्मूला अब आपको याद है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। तो अगर मैं उसका इनवर्स में करता हूँ, उसका जो इनवर्स होगा दैट इज कॉस का जो है दैट इज सेक, सेक ए, उसका फुल फॉर्म है सिकेंट, SECANT, सिकेंट इज इक्वल टू, अब इसका फॉर्मूला आप बताओ, जैसे हमने साइन के ऊपर से कॉस एक बनाया तो यहाँ पे क्या बोल होगा, बोलो बच्चों, हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट, राइट, ये इसका इन्वर्स हो जाएगा। सेम वे जैसे मैंने ऊपर लिखा हुआ, और यहाँ पे भी डबल साइड एरो रहेगा, कॉस का इनवर्स सेक और सेक का इनवर्स कॉस, से जैसे मैंने ऊपर साइन के लिए लिखा है वैसे भी आप कॉस के लिए भी लिख सकते हो, कॉस ए इज इक्वल टू वन अपॉन सेक ए, या तो फिर सेक ए इज इक्वल टू वन अपॉन कॉस ए। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू। अब देखते हैं लास्ट वन, थर्ड वन दैट इज कौन सा बचा है, थर्ड वन टेन का फॉर्म, कोटेंजेंट, इसका फुल फॉर्म है कोटेंजेंट,
कॉट ए इज इक्वल टू, चलो अब आप बता सकते हो इसका इनवर्स क्या होगा। ऊपर जो दो तरीके से दो हमने बनाए सिमिलरली, अब यहाँ पे हम मैं लिखूंगा एडजेसेंट अपॉन ऑपोजिट इज इक्वल टू, या यहाँ पे साइन अपॉन कॉस है तो यहाँ पे उसका इनवर्स हो जाएगा कॉस ए अपॉन साइन ए। सेम वे आप यहाँ पे भी लिख सकते हो टेन ए इज इक्वल टू वन अपॉन कॉट ए, या तो फिर कॉट ए इज इक्वल टू वन अपॉन टेन ए। इज इट क्लियर? सो अब नाउ कैलकुलेट करो, ये हमारे थ्री ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो साइन ए कॉस ए टेन ए, मेन हमारे ये जो है दैट इज साइन एंड कॉस, ये दोनों का यूज करके हमने डिराइव किया हुआ है दैट इज टेन, और ये तीन के ऊपर से उसके इनवर्स बोलो या कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस बोलो, नॉट इनवर्स सॉरी 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 माय मिस्टेक्स, वी कैन नॉट से इनवर्स बट वी कैन से ओनली कॉम्प्लीमेंट्री। इनवर्स का मीनिंग टोटली डिफरेंट हो जाता है जो आपके टेंथ में नहीं है लेकिन इलेवन साइंस में आता है। ये जो फंक्शंस है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज उसके कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस या कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो ये बने, साइन का कॉसेक कॉस का सेक टेन का कॉट। फॉर्मूलाज भी आपको याद रखने हैं, मेन आप ये तीन फॉर्मूला याद रख लो साइन कॉस टेन, तो उसके ऊपर से उसके कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस भी आपको याद इजीली हो जाएंगे, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस एंड ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। लेकिन मेन चीज आपको याद क्या रखनी है, जो भी एंगल का सिलेक्शन यहाँ पे एंगल ए का सिलेक्शन किया हुआ है ये एंगल ए का, इसके लिए उसके लिए ऑपोजिट साइड ये होगी, ऑपोजिट साइड ये एंगल के लिए एडजेसेंट साइड ये होगी, और ये जो होगी दैट इज हाइपोटेनियस, वो आपको मेन चीज ध्यान रखनी। तो मैंने आपको बताया था कि इसको ये तीन जो ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन है साइन कॉस टेन उसके फॉर्मूलाज याद रखने के लिए आप एक मैंने बनाया हुआ है, आप अपने तरीके से भी कोई उसको शॉर्ट में याद रखने का तरीका फाइंड कर सकते हो, लेकिन जो मैंने बनाया वो है दैट इज सोहम काहे टोस्ट खाए, सोहम एस ओ एच ए एम सोहम काहे, काहे में के नहीं लगाना है सी लगाना है ठीक है, काहे टोस्ट खाए अभी इसमें देखो ये सेंटेंस अगर आपने याद रखा तो उसके अंदर से आप पूरा सा पूरा एक उसके याद रख सकते। देखो पहले सोहम के अंदर पहला है एस ठीक है, एस एस का मीनिंग आपको याद रखना है साइन, फिर है ओ का मतलब है ऑपोजिट, और बाद में है एच, एच मतलब हाइपोटेनियस, यानी कि साइन का जो फॉर्मूला होगा उसमें ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस होगा। फिर काहे में देखो काहे में सी मतलब कॉस का फॉर्मूला है, कॉस फंक्शन है, कॉस के अंदर पहला ए है मतलब ए मतलब एडजेसेंट साइड अपॉन बाद में एच है मतलब हाइपोटेनियस। और टोस्ट के अंदर भी देखो पहले तीन तीनों वर्ड के अंदर पहले तीन अल्फाबेट आपको कंसीडर करने, ये सिर्फ मैंने एक्स्ट्रा लगाया हुआ है इसकी जरूरत नहीं। टोस्ट में टी पहला है मतलब टेन का फॉर्मूला है, टेन के लिए आपका पहला ओ है मतलब ऑपोजिट साइड है, बीस बाद में आपका ए है मतलब एडजेसेंट साइड है, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो सोहम काहे टोस्ट खाए, तो ये तरीका। और इंटरनेट से भी आप डिफरेंट डिफरेंट लोगों डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स के हिसाब से अपने अपने हिसाब आप अपना खुद का भी कोई ऐसा फॉर्मेट बना सकते हो ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारे सारे ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज जो है उसकी डेफिनेशन या तो उसके फॉर्मूलाज कंप्लीट हो गए, उसके कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस जो भी है वो यहाँ पे हमारे कंप्लीट, उसको याद रखने की ये छोटी सी ट्रिक भी यहाँ कंप्लीट हो गई। मैंने यहाँ पे लास्ट में लिखा है द वैल्यूज ऑफ द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एन एंगल डू नॉट वेरी विद द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल इफ द एंगल रिमेन सेम। अब इसका मीनिंग क्या है वो समझ लेते हैं थोड़ा सा, मैं यहाँ साइड में जो जगह बची है वहां पे एक ट्रायंगल ड्रॉ कर रहा हूँ लाइक दिस, एक ट्रायंगल मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है। इसके लिए जो भी एंगल यहाँ पे जो भी एंगल बन रहा है ये जो एंगल है दैट इज इसको मैं एंगल बोल देता हूँ, ये राइट ट्रायंगल है तो यहाँ पे जो एंगल है दैट इज मैं थीटा बोल देता हूँ। ये एंगल को अगर मैं फिक्स रखूंगा तो यहां मैं कोई भी ट्रिगोनोमेट्री रेशियो फाइंड करूं साइन या तो कॉस या तो टेन, तो
तीनों में से कोई भी रेशियो फाइंड करो, तो उसमें आपको चाहिए क्या? साइन के लिए ऑपोजिट साइड चाहिए, हाइपोटेनियस चाहिए, एडजेसेंट चाहिए, हाइपोटेनियस चाहिए, या तो फिर ऑपोजिट एंड एडजेसेंट साइड चाहिए। अब यहाँ नीचे जो मैंने सेंटेंस लिखा है उसके अंदर बोला है कि इफ एंगल्स रिमेन सेम, अगर मैं एंगल को फिक्स रखता हूँ और उसकी साइड में कुछ चेंज करता हूँ, साइड मतलब ये हो गई हाइपोटेनियस, ये हो गई एडजेसेंट साइड और ये हो गई ऑपोजिट साइड। अब मैं इसमें चेंज करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल जस्ट अ सेकंड, मैं यहां से इसको एक्सटेंड कर रहा हूं, लेकिन कंडीशन क्या, एंगल जो है वही रहना चाहिए। यहां से एक्सटेंड करता हूं, इसको भी मैं आगे इस तरीके से एक्सटेंड करता हूं, तो एंगल में कोई चेंज नहीं आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे एंगल में कोई चेंज नहीं, एंगल तो पहले भी थीटा था, बाद में भी थीटा है, लेकिन जो साइड्स अब हो गए, पहले जो हाइपोटेनियस था दैट इज ओनली ब्लू कलर लाइन, अब आपका हाइपोटेनियस क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, इतना हो गया। पहले एडजेसेंट साइड थी वो सिर्फ ब्लू कलर थी, अब आपकी एडजेसेंट साइड नए बड़े ट्राइंगल के लिए ये एडजेसेंट साइड हो गई, और ऑपोजिट साइड के लिए भी पहले ब्लू कलर यानी इतनी ही ऑपोजिट साइड थी, अब ऑपोजिट साइड भी क्या हो गई, इंक्रीज, यानी हाइपोटेनियस भी इंक्रीज हो गया, एडजेसेंट साइड भी इंक्रीज हो गई और ऑपोजिट साइड भी इंक्रीज हो गया। अब आप कोई भी फॉर्मूला लगाओ, अगर मैं साइन का फॉर्मूला लगाता हूँ, साइन थीटा इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या है, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, तो पहले ब्लू वाले ट्राइंगल के लिए जो भी वैल्यू यहाँ पे मिल रही है वो पिंक वाला जो ट्राइंगल बड़ा हो रहा है उसके लिए भी सेम होगी। रीजन क्या है कि अगर मेरा ऑपोजिट साइड इंक्रीज हुआ है तो साथ में हाइपोटेनियस भी इंक्रीज हुआ है, यानी कि न्यूमेरेटर इंक्रीज हुआ है तो साथ में डिनोमिनेटर भी इंक्रीज हुआ है, दोनों इंक्रीज हुए हैं, इसलिए दोनों का जो रेशियो बनेगा दैट इज अल्टीमेटली रिमेन कॉन्स्टेंट। समझ में आ रहा है? तो इसके हिसाब से जो भी कुछ सम्स आएंगे वहां पे हम और थोड़ा डेप्थ में समझने की ट्राई करेंगे, लेकिन थोड़ा सा मैंने यहाँ पे ओवरव्यू दिया है। द वैल्यू ऑफ द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एन एंगल डू नॉट वेरी, क्या बात है, रेशियो सेम रहेगा ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, ब्लू वाले ट्राइंगल के लिए निकालू या बड़ा वाला जो ट्राइंगल बन रहा है ब्लू एंड पिंक वाला मिक्स, दोनों के लिए रेशियो तो कैसा रहेगा, सेम, लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या है वो ध्यान में रखना। कंडीशन ये है कि द एंगल रिमेन सेम, जो ये जो एंगल होगा, इफ द एंगल रिमेन सेम, ट्राइंगल के अंदर ये एंगल चेंज होना नहीं चाहिए, वो आपको एक ध्यान में रखना है। अगर एंगल चेंज हो जाएगा तो फिर आपका रेशियो भी चेंज हो जाएगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके।